हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मेरा हस्बैंड बाज़ार गए थे तो सब्ज़ी लाने। ये देखो, छोटा मछली लेके आया मेरे लिए। तो मुझे बहुत पसंद है छोटा मछली, तो ये मैं बनाऊंगी आज। सो इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला है पता है? इसमें डाला मैंने बारीक अदरक, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च, तो थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और उसके बाद थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया। और हरा धनिया भी नहीं, पता नहीं मैं दिखाती हूँ वो क्या बोलते हैं। तो ये है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। देखो कितना सारा लेके आया मेरे पति ने, मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए बहुत सारा लेके आया। देखो, और इसमें मैंने तेल भी दिया है। देखो घर वाले कितना चिल्ला रहे हैं, मुझे ठीक से ब्लॉग बनाने नहीं दे रहे हैं। ये डाल दूंगी मैं, ये डाल दिया। पता नहीं मैंने थोड़ा कैमरा को साफ़ किया था, वो एकदम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसमें धीमी आंच में मैं पकाऊंगी इसको, ये खाने में बहुत मज़ा आता है गाइस। तो गाइस देखो, मेरा छोटा मछली ऑलमोस्ट हो गया, मतलब थोड़ा और पका लेते हैं, पूरा नहीं हुआ है। देखो ढक के थोड़ा देर पकाएंगे। ये देखो कितना सुंदर कलर आया है इसका। और ये मछली सच में बहुत अच्छा है चावल के साथ खाने में, और मुझे तो बहुत पसंद है ये। ये देखो धनिया डाल दिया मैंने, जो दिखाया था ना, पता नहीं उसको मैं धनिया ही बोलते हैं हम लोग। तो ये अभी बाउल के ले रही हूँ मैं। कितना सुंदर लग रहा है ना, और चावल के साथ खाएंगे इसको आज। मुझे बहुत बहुत सच में बार बार बोल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो देखो गाइस, हम लोग लंच में क्या क्या खा रहा है। ये देखो बहुत सारा सब्जियां है। ये एक लाल मिर्च का चटनी मैंने बनाया, इतना तीखा हो गया। तो किसको किसको खाना है, आ जाओ हमारे घर। ये देखो बकरे की तरह मैं कर रहा हूँ। और कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और डेली कोशिश करूँगी ऐसे ब्लॉग डालने में। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।